नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज का डोज जीके बूस्टर प्रोग्राम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध को। अगर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेरा मानना है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को थोड़ा सा भी देखा है तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अगर उसमें एंशियंट हिस्ट्री पूछा जा रहा हो। ऐसा शायद ही कोई पेपर हो जिसमें गौतम बुद्ध पे प्रश्न ना बनता हो। इनकी जो भी शिक्षाएं हैं उनको तो हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में समझेंगे ही, पर आज हम लोग केवल उन्हीं बातों को समझेंगे जो जिन पे प्रश्न अक्सर बनते रहे हैं। उन सारे को हम लोग एक ही दो वीडियो में सब कुछ समझ लेंगे, 5-7 मिनट 10 मिनट की वीडियो में। यही हमारे जीएस बूस्टर प्रोग्राम जो रोज का डोज है उसका मकसद भी है। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध। तो देखिए, इनका ओरिजिनल जो नाम था, मूल नाम जो था इनका, वो था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ नाम इनका मूल नाम था। इनका जन्म जो हुआ था वो था 563 BC में। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप रट लेंगे तो इससे मैचिंग की 3-4 चीजें मैं आपको और बता दूंगा, जिससे कि आपको इस पे बेस्ड ही वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसको रटने का एक ये तरीका हो सकता है कि आप 5 में +1 कर दीजिए तो 6 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा। ये रीजनिंग के कुछ एक ट्रिक है, हो सकता है आपको बहुत पसंद आए, पर देखिए जब ऐसा MCQ टाइप आपके सामने प्रश्न बनता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है प्रश्न, तो उसमें हो सकता है इसमें क्लोज एग्जांपल दे दें, क्लोज जो ऑप्शंस दे दें कि 563, 564, 565, 666, तो उसमें आप थोड़ा बहुत ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ कुछ तो ऐसा +1 / 2 या / 2 ऐसे कुछ करके था, तो उसमें आप लोग इसको कर सकते हैं, इजिली याद कर सकते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कपिलवस्तु आपका नेपाल में पड़ता है, तो लुम्बिनी नेपाल में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म का जो प्रतीक कहा जाता है वो है कमल, यानी जब इनका जन्म हुआ तो कमल खिल गया। तो इस तरीके से कमल खिलने से आप याद कर लीजिएगा कि जन्म हो गया, और कमल से देखिए आपका कपिल भी बन जाता है, ये कमल से आपका कपिल बन जाता है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि जन्म इनका 563 BC में लुम्बिनी में कपिल वस्तु, और उसको कमल खिलना कहा जाता है, कमल से प्रतीक उसका। इनके दरअसल जीवन की विभिन्न घटनाओं को कुछ एक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे इनके जो पिता थे वो कौन थे। तो इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन, इस पे भी प्रश्न बन चुका है। तो इनके जो पिता थे वो शुद्धोधन थे, और देखिए शुद्धोधन में ये शुद्ध नाम आता है, शुद्ध से आपका हो गया बुद्ध, तो ये शुद्धोधन जो है वो शुद्ध से बुद्ध आप याद कर सकते हैं, इसलिए इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन में देखिए जो सा है, सा से आपका शाक्य हो गया, तो यानी शुद्धोधन शाक्य आप एक साथ बल्कि वो याद करने के लिए कर सकते हैं कि शुद्धोधन शाक्य जो थे, ये दरअसल शाक्यगढ़ होता था, शाक्यगढ़ के ये मुखिया थे, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो है एक ठीक ठाक राज परिवार में जन्मे थे, तो शाक्यगढ़ के ये मुखिया होते थे शुद्धोधन, ये इनके पिता थे, तो आप शुद्धोधन शाक्य करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इनकी जो माता थी वो थी महामाया, महामाया देवी इनकी माता थी। आपने देखा होगा कि यूपी में जो पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उन्होंने उनका जो है वो बौद्ध धर्म से काफ़ी लगाव था, इसलिए उन्होंने मायावती से हम लोग थोड़ा सा ये याद कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म में उनकी जो माता थी वो माया महामाया देवी थी। और दूसरी बात कि उन्होंने ऐसे कई एक नाम भी रखे डिस्ट्रिक्ट या फिर छोटे छोटे शहरों के, उसमें उन्होंने माया से ही रिलेटेड नाम रखे, तो उससे भी हम लोग याद कर सकते हैं। तीसरा चीज़ देखिए कि उनका जो पालन पोषण हुआ था, दरअसल ये जब इनका जन्म हुआ था उसके 7वें दिन जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी ने किया था, जिनको प्रजापति गौतमी जिनका नाम है। तो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, देखिए जो महान पर्सनैलिटीज होती हैं उनसे रिलेटेड पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब पूछ लिए जाते हैं, कि उनके जो है पिताजी माताजी हर कुछ पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए सारी चीज़ें। इनका जो विवाह हुआ वो हुआ 16 वर्ष की उम्र में, ये चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, 16 वर्ष उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका जो विवाह हुआ वो किससे हुआ, तो यशोधरा से। ठीक है, यशोधरा से इनका विवाह हुआ, और इनके जो पुत्र थे वो थे राहुल, राहुल नाम तो सुना होगा।
तो ये वही वाले यशोधरा जो है, अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकती हैं, कैसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो यशोधरा जो हमारे मोदी जी हैं उनका, उनकी जो पत्नी है वो जसोदा बेन, तो उनका भी नाम यशोदा से ही है, ठीक है, यशोदा से आप थोड़ा सा ऐसे लिंक बैठा सकते हैं। और आगे चल के इन्होंने भी गृह त्याग किया, मोदी जी ने भी, और बुद्ध ने भी किया गृह त्याग, तो थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी याद करने में होगी। देखिए वैसे मैं यहाँ पे कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, वो बुद्ध जो है वो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, हम लोग भी पूजते हैं उनको, बस मैं याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पुत्र जो है वो राहुल, तो राहुल गांधी अभी मोदी जी के सामने बच्चे हैं, ऐसा आप जो है मतलब एक आप ट्रिक बैठा सकते हैं। चलिए अगला जो देखते हैं कि इनका जो गृह त्याग हुआ, यानी जब इन्होंने घर छोड़ा, इसके पीछे काफ़ी एक कहानियाँ होती हैं, मतलब क्या घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से इन्होंने गृह त्याग किया, तो इसमें हम लोग जो है अपनी जो डिटेल्ड क्लास होगी उसमें हम लोग इसको समझेंगे। फिलहाल देखते हैं कि इन्होंने जो गृह त्याग किया वो 29 वर्ष की अवस्था में किया, ये आपके लिए याद करना जरूरी है। तो इन्होंने जो गृह त्याग किया अपना वो 29 वर्ष की अवस्था में किया, और इसको बोला जाता है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। और निष्क्रमण आप समझ सकते हैं, निष्क्रमण जो है वो इससे बनता है आपका निकलना, निष्क्रमण का मतलब निकलना, तो मतलब महान एक तरह से आप कह सकते हैं कि महान जो है निकलना, यानी घर से निकले, तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसको आप ऐसे याद कर सकते, इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे घोड़ा खूब तेजी से भागता है, वैसे ही महात्मा बुद्ध भी रात के समय निकले तो खूब तेजी से निकल के चले गए, और किसी को पूरे मतलब दरबार में राज परिवार में किसी को भनक तक नहीं लग पाई। तो चलिए इससे आप ये याद कर सकते हैं। अगला देखिए कि इनके जो प्रथम गुरु हुए थे, यानी जो जिन्होंने इनको गृह त्याग के बाद सबसे पहले शिक्षा दी, वो वैशाली के एक आलार कलाम थे। तो आलार कलाम ने इनको सबसे पहले शिक्षा दी, और आलार कलाम को ये प्रथम गुरु थे ऐसा प्रश्न आ चुका है, तो इसको याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आलार कलाम में आला, आला का मतलब ही होता है आला दर्जे का यानी प्रथम, और कलाम मतलब पहली जो कलम जिसने पकड़ाई थी वो आलार कलाम थे, तो इससे करके आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा इनके एक और भी गुरु थे, वो रुद्रक रामपुत्र थे। इन पे प्रश्न अभी तक तो नहीं आया है, पर ऐसा जो है मतलब आप याद कर लीजिए कि इनके जो अन्य एक गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ये 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ के गए, तो फिर उन्होंने उनको 6 साल लग गए इधर उधर जो है ये सब, इनको ये सब तमाम जो है कोचिंग देने वाले मिले, जो टीचर मिले, उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त करने में 6 साल लग गए। 6 साल इन्होंने अलग अलग जगह पे, जैसे आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ऐसे करके अलग अलग दर्शनों की इन्होंने शिक्षा ली, फिलोसफीज की, लेकिन वास्तव में जब इन्होंने सेल्फ स्टडी की एक कहीं किसी पेड़ के नीचे और नदी के किनारे, तब जाके इनको सेल्फ स्टडी से ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष में, 29 साल में निकले थे, 6 साल इनको सेल्फ स्टडी में लग गया और ज्ञान प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष में, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना या फल्गु नदी भी उसको बोलते हैं, तो उसके किनारे हुआ, और बोधि वृक्ष था उसके नीचे हुआ, बोधि मतलब पीपल का वृक्ष, तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, नदी के किनारे ये बैठे हुए थे। और वो जो जगह थी उसको आजकल जो है उसी को बोध गया बोल दिया जाता है, और वो जो मतलब वृक्ष था पीपल का उसको बोधि वृक्ष से अंकित किया जाता है, ये प्रतीक जो है वो बोधि वृक्ष मान लिया जाता है। तो ये जो है आपका, ये इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि बोध ही मतलब बोध हुआ इनको, ज्ञान का बोध हुआ। तो देखिए अब जब इनको ज्ञान का बोध हो जाएगा तो फिर ये भी जो है हम लोग की तरह कोचिंग पढ़ाना शुरू करेंगे। तो इन्होंने जो है प्रथम उपदेश अपना दिया, जो पहली इन्होंने कोचिंग स्टार्ट की वो शुरू की सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, सारनाथ इसको बाद में कहा गया, ऋषिपत्तनम उस समय का नाम हुआ करता था। अब देखिए नाम भी कितना खूबसूरत है, अपने ये जो वाराणसी है वहाँ पे ऋषिपत्तनम मतलब एक ऐसा घाट आप कह सकते हैं, एक ऐसा पत्तन या ऐसा घाट जहाँ पर बहुत ऋषि आते थे, शास्त्रार्थ किया करते थे, मतलब वो विद्वानों की नगरी मानी जाती थी उस समय की काशी जो थी, तो उसी को ऋषिपत्तनम जो है वही आगे चल के सारनाथ कहलाया। और वहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया, पहला जो इन्होंने कोचिंग वोचिंग ट्यूशन पढ़ाया वो वहाँ पे पढ़ाया, और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन ये 3 शब्दों से समझ लीजिए,
तीन जो है इसका शब्द में हम लोग बाइफरकेट या तोड़ सकते हैं, वो है धर्म मतलब आपका धर्म हो गया, चक्र मतलब धर्म का पहिया, और प्रवर्तन मतलब चल गया। तो धर्म का पहिया चल गया, इन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि अपनी कोचिंग का लोगो टाइप रख लिया कि धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी वो प्रतीक है जैसे हमारा इधर लोगो यहाँ पे आता है ना किनारे में, तो वैसे ही जो है इनका धर्म का पहिया ऐसे घूमने लगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला उपदेश जो इन्होंने दिया सारनाथ वाराणसी में। और ये जो है किस भाषा में था ये भी पूछा जाता है, तो दरअसल बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो पाली भाषा में थी, पाली भाषा जो है वो लोकल की भाषा थी, मतलब आसपास जो एरिया था उसमें यही भाषा बोली जाती थी, इसीलिए इन्होंने अपना ज्ञान जो है वो लोकल लैंग्वेज में दिया ताकि सभी लोगों तक वो ज्ञान सुलभ हो सके। उसके बाद देखिए ये प्रथम उपदेश इन्होंने दिया, मगर यहाँ पर जो है उनकी मान लीजिए कि उतनी कोचिंग नहीं चली, तो ये सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिया मतलब जहाँ पर इनकी कोचिंग खूब ज़्यादा चल गई वो था श्रावस्ती, श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी थी। अभी जब आपका 16 महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे, 16 महाजनपद, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये क्या है, कौन सा राज्य, किसकी क्या राजधानी थी जनपद की, तो उसमें हम लोग कुछ एक ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। अभी फिलहाल देखिए कि कौशल जो है ये आपका इधर ये जो अयोध्या और फैजाबाद ये वाला जो एरिया होता है वो आपका आ जाता है, तो श्रावस्ती कौशल में इनकी सबसे ज़्यादा बढ़िया कोचिंग चली। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए, तो श्रावस्ती कौशल में दिए गए। ठीक है, उसके बाद देखिए आज का हम लोग अपना ये टॉपिक, देखिए 11 मिनट का वीडियो हो गया, तो आज का हम लोग ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का हम लोग जो है वो अगली वीडियो में देख लेंगे, यानी कल के दिन जो है वो आपकी वीडियो आ जाएगी। और ये सारे ही प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप बुद्ध की पूरी जो है पूरा चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ें वो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इन प्रश्नों को रिवाइज नहीं करते हैं, रिवाइज के बाद ट्रिवाइज और क्वार्टर वाइज जो भी आप कहें वो सब अगर आप नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका वो पूरा पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एग्ज़ाम में पूछी जा रही है तो उसको तो आपको बार बार करके याद करना ही है। और विश्वास मानिए ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पेपर में मिलेंगी, चाहे वो किसी भी स्तर का पेपर हो, आप मतलब ग्रुप डी से लेकर और PCS IAS तक के स्तर में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, ये फैक्ट्स हैं जिनको आप कोई ऐसे ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी हम लोग अगली क्लास में इसके आगे का हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।